दोस्तों Z5 की लेटेस्ट रिलीज ओरिजिनल फिल्म रात बाकी है, ये मैंने देख ली है। लगभग लगभग 1.5 घंटे की फिल्म है, 1 आवर 29 मिनट्स की, बहुत ही कमाल की फिल्म है। राहुल द्रविड़ का परफॉर्मेंस जो बहुत ही सीधा साधा अच्छा लगता है, फिर थोड़ा सा डार्क शेड हो जाता है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। राहुल द्रविड़ का परफॉर्मेंस हाईलाइट था। इसके अलावा पाउली डैम ने बहुत इम्प्रेस किया मुझे अपने परफॉर्मेंस से, जहां पे वो एक है ना एक महारानी बनी है। तो कुल मिला के कहानी क्या है या चीजें क्या है, आपको क्यों देखनी चाहिए, ये मैं आपको जरूर इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले ये एक मस्ट वॉच है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। ये एक प्ले पर बेस्ड है, बैलीगंज 1990 जो प्ले था अतुल सत्य कौशिक का, उसके प्ले पर बेस्ड है ये फिल्म। और बहुत अच्छे स्टारकास्ट जैसे अनूप सोनी है यहाँ पे, पाउली डैम है यहाँ पर, इसके अलावा राहुल देव है, तो स्टारकास्ट बहुत अच्छे है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर साफ देखा जाता है कि जो एक राइटर है जो बहुत ही स्ट्रगलिंग राइटर था, और वो स्ट्रगलिंग राइटर अब एक बड़ा राइटर बन चुका है, उसे बॉलीवुड के एक टॉप हीरोइन से प्यार हो गया और दोनों अब शादी करने वाले। तो जिस दिन शादी करने वाले थे उसी दिन होटल में किसी वजह से या किसी कारणवश अचानक मौत हो जाती है, या मर्डर हो जाता है हीरोइन का। तो इतना डर जाता है वो राइटर उसका होने वाला पति कि वो वहां से होटल से भाग जाता है। उसके बाद होटल से भागने के बाद वो एक है ना बहुत बड़ा एक बंगलो रहता है, क्या बोलते हो, राजा महाराजा लोग का घराना है, तो वैसा घराने में एक आता है और वहां पर उसे मिलती है उसकी 12 साल पहले की प्रेमिका जो अब एक्स लवर हो चुकी है उसकी, और उसकी ऑलरेडी शादी हुई है वहां के महाराजा डॉक्टर वहां के महाराजा सज्जन सिंह से। तो सज्जन सिंह की मदद मांगने के लिए एक्चुअली वो बंगले पर आया रहता है। हमारा जो राइटर है जो यहाँ पर इस फिल्म में दिखाया गया है भगौड़ा यानी कि अनूप सोनी, तो अनूप सोनी बार बार बोलता है किधर सज्जन सिंह तुम्हारे पति, किधर सज्जन सिंह, और उन्हें जरा बोलो ना मेरी मदद करे, मुझे ऐसा फंसाया जा रहा है जो कि मैंने मर्डर नहीं किया है मेरी होने वाली वाइफ का। तो इस तरह की चीजें हैं। तो बात यही है कि क्या चीजें होती है, क्या बच पाते हैं यानी कि हमारे अनूप सोनी भाई साहब, या फिर मर्डरर कौन होता है, या फिर वो प्रोड्यूसर जो जिसका कहीं ना कहीं एक अफेयर रहता है वो भी अनूप सोनी होने वाली उसकी होने वाली वाइफ से, या क्या चीज है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे घुमा फिरा के दी गई है, या फिर इस पूरे मर्डर मिस्ट्री के पीछे हाथ होता है महारानी का जिसका जो रोल प्ले किया है यहाँ पे पाउली डैम, जो कहीं ना कहीं पहले प्यार करती थी अनूप सोनी से 12 साल पहले। तो बहुत कुछ है यहाँ पे घुमा फिरा के बताया गया, शायद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी ना कर पाया हूँ आपको, लेकिन मैं आपको ये जरूर कह सकता हूँ कि ये फिल्म आप जरूर देखिएगा। बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, एकदम कंसाइज है, बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छे से लिखा है, डायरेक्शन बहुत अच्छे से किया है। यहाँ पे डायरेक्टर जो है अविनाश जास ने अच्छा डायरेक्शन किया है, स्टोरी स्क्रीन प्ले सिद्धार्थ मिश्रा का है, और जो डायलॉग्स लिखे हैं वो यहाँ पे अखिलेश जायसवाल ने लिखे हैं, म्यूजिक जयमीन का है, एडिटर प्रकाश यादव, सिनेमेटोग्राफी मनोज सोनी की है। ऑल हैव डन ए ग्रेट जॉब एंड ए कमाल की वेब सीरीज, नॉट वेब सीरीज, कमाल की फिल्म बाय Z5। मेरी तरफ से आराम से मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। इट्स ए मस्ट वॉच मर्डर मिस्ट्री, विल लव इट। बाय बाय।